तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में। और इसमें जो है एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आपको लास्ट में हम बताएंगे क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, डिस्काउंट। तो बेसिकली आपको डिस्काउंट तो मालूम होगा क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी शॉपिंग करते हैं, या मॉल वॉल वगैरह में से सामान खरीदते हैं, या कहीं भी अगर दुकान पे भी जाते हैं तो आप क्या पूछते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट में ये डिस्काउंट कितना दीजिएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो क्या कर रहा है, इट इज ए, यहाँ पे इट इज ए डिडक्शन ऑफ मनी ऑन द टोटल सेल और नेट प्राइस टू अर्न प्रॉफिट ऑन मनी। यानी कि जो भी टोटल क्या कर रहा है, जो भी प्राइस उसमें टोटल आता है ना, तो वो क्या करता है, हम नेट प्राइस में जो भी हम डिस्काउंट करते हैं ना, यानी कि उसको बोले तो एक तरह से क्या करते हैं, उसके दाम में कटौती कराते हैं, तो हमारा डिस्काउंट होता है जो भी बचता है। तो बेसिकली डिस्काउंट जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ डिस्काउंट दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या चीज, आपके ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो आप बेसी रेफर किस में करेंगे, कैश डिस्काउंट में, क्योंकि उसमें जो है आपको उसी वक्त डिस्काउंट मिल जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट में आपको उसी वक्त डिस्काउंट नहीं मिलता है। ये क्या होता है, सामान पे डिस्काउंट होता है। तो अब आपके यही सामान पे डिस्काउंट क्या होता है, और कैश डिस्काउंट यानी कि कैश बैक क्या होता है। तो देखिए इसमें जो है डिस्काउंट में हम बता देते हैं, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। जैसे कि हमने कोई मॉल में गए शॉपिंग करने, तो अधिकांश जो है मॉल में आपको ऑफर मिलेगा कि 500 की खरीदारी पे 200 रुपये छूट, या 5000 की खरीदारी पे 1000 छूट। तो क्या होता है ना कि जैसे आप शॉपिंग कीजिएगा 5000 का, और आपको जो पता है कि हाँ 1000 रुपये डिस्काउंट होने वाला है, लेकिन जैसे ही 5000 के शॉपिंग करके जाएगा वहां पे प्रोडक्ट मतलब बिलिंग कराने, तो क्या करेगा वो ना, 1000 का आपको बाउचर थमा देगा। तो अब आप ले लीजिए बाउचर को, फिर नेक्स्ट खरीदारी पे आपको जो है वो बाउचर यूज होगा। तो ये कंपनी का एक जो है क्या बोल सकते हैं, चाल बोल सकते हैं आपको फंसाने का, ताकि आप फिर दोबारा उसके पास जाए और वो क्या करे, शॉपिंग करे। तो इसलिए जो है ये ट्रेड वाला उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसको जो है अपने कस्टमर को कंज्यूमर मतलब कि बार बार बुलाने का मौका मिल जाता है, और उस लालच में आप जो है अधिक से अधिक शॉपिंग करते हैं, और उसमें उसको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन सेकेंड वाला डिस्काउंट जो होता है ना, ये डिस्काउंट खतरनाक होता है। अब कैसे खतरनाक होता है, जैसे कि इसमें कंपनी को थोड़ा सा लॉस का मतलब लॉस तो नहीं होता है, क्योंकि कंपनी कोई भी अपने घर से नहीं देती है, जो भी प्राइस उसमें होता है वो मतलब कैश बैक देती है या डिस्काउंट देती है, वो एक्स्ट्रा रख के देते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमने ऑनलाइन कोई शॉपिंग किया, तो उस पर अगर लगता है 10% डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि अगर 100 रुपये का हम सामान खरीदते हैं, अगर 10% डिस्काउंट है तो हमारा क्या होगा, 10 रुपया उसी वक्त क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यानी कि हमको केवल पे करना है कितना, 90 रुपया, यानी कि वो आपका जो है कैश बैक उसी वक्त मिल गया। एक ये होता है, और इसमें एक और तरीका होता है कैश बैक का, जैसे कि मान लीजिए कि ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको कैशबैक देता है, तो उसमें क्या करता है ना कि जैसे कि आपको 100 रुपये का सामान खरीदते हैं और 10% डिस्काउंट होता है, तो वो आपसे 100 रुपया ही लेगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के कुछ देर या कुछ दिन ऐसा होता है ना, किसी किसी साइड में होता है जैसे आपका सामान शिफ्ट जाएगा तब कैशबैक देता है, और कोई कोई साइड जो होता है जैसे ही आप यहाँ से ऑर्डर लगाएगा आपको कैशबैक मिल जाता है। तो आपको क्या होगा उसी वक्त, और आपका उसी वक्त मतलब वो आपके जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसा कैशबैक ऑफर निकाल रहा है, तो क्या करता है उसी वक्त आपको पेमेंट मतलब पैसा जो है रिटर्न करता है कैशबैक का। यानी कि अगर जैसे 10% है तो 100 का अगर सामान ऑर्डर करता है तो 10 रुपये आपके अकाउंट में उसी वक्त आ जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट से कटेगा कितना, 100 रुपया ही कटेगा। तो ये डिस्काउंट होता है। तो ये जो है सेकेंड वाला थोड़ा मतलब जो भी शॉपिंग करने वाला है उसके लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए थोड़ा सा ये क्या करता है उतना अच्छा नहीं है। और ये फर्स्ट वाला कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन जो शॉपिंग करता है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपको दो तरह का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब अगर जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपको जो है बोला जाए कि आप मतलब अलग अलग प्रोडक्ट दिए जाए ये इस पे आपको डिस्काउंट करना है, तो वहां पे क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो होता है 10 रुपया होता है, तो उसको क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, 11-12 कंपनी अपना भी मुनाफा देखते हैं ना, और उसमें से कुछ डिस्काउंट कर देते हैं।
तो हमको जो है वो डिस्काउंट निकालना है कि हमको अगर डिस्काउंट दिया जाए कि इतना परसेंट आपको निकालना है इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट करना है तो कैसे कीजिएगा, तो हम लोग बेसिकली इसी को इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पे कह रहा है आपको डिस्काउंट समझ में आ गया कि दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू क्रिएट डिस्काउंट ग्रुप, ठीक है, यानी कि हमको जो है इसमें ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे डिस्काउंट के लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, प्रोसेस दिया हुआ है क्या चीज में, सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं, उसके बाद में अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि आपको वहां पे दो ऑप्शन मिलेगा अकाउंट इन्फो में, एक लेजर का और एक ग्रुप का। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लेजर ही बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको ग्रुप क्रिएट करना होगा, और वो कहाँ करना होगा हम बताएंगे आपको, क्योंकि देखिए इसमें दो तरह का हम डिस्काउंट देते हैं, इसलिए ग्रुप बनाया जाता है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, जैसे कि वहां पे आप ट्रेड और ये देखे हैं। अब ये क्या होता है ना कि कभी कभी हमको अलग अलग प्रोडक्ट दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई शॉर्ट है, जींस है, या अलग अलग जैसे चीजें हैं, लेकिन सेम डिस्काउंट करना है, यानी कि सब पे जो है हमको 2% या 5% या 10% जो भी देना है वो हमको देना है, सेम डिस्काउंट देना है। तो उसके लिए हम जो है अलग ग्रुप बनाते हैं। और क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जो शॉप होता है, या बोले तो हाँ शॉप ही बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होता है अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग डिस्काउंट जो है हमको फिक्स करना होता है, तो उसके लिए हमको अलग प्रोसेस है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ एकदम ए टू जेड हम पूरा एकदम बारीकी से बताएंगे। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, जो कि ये सिंपल होता है ग्रुप वाला, जो कि सब में सेम डिस्काउंट रहेगा। तो सेम डिस्काउंट वाला पहले देख लेते हैं, उसके बाद में डिफरेंट डिस्काउंट वाले को देखेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि आपको इसमें एक ग्रुप बनाना होगा, क्योंकि हमको क्या करना है ना कि सेम डिस्काउंट रखना है, तो सेम डिस्काउंट का मतलब एक ग्रुप में सबको रखिए, और सब पे जो है जैसे 1% है तो सब पे 1% रखिए, 5% है तो 5% सब पे रखिए, तो आपके लिए आसान होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली में जाएंगे, उसके बाद में अकाउंट इन्फो में जाएंगे, उसके बाद में ग्रुप क्रिएट करेंगे, और ग्रुप में यहाँ पे मतलब क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ग्रुप का नेम देंगे। तो नेम में हमारा होता है क्या चीज, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा, और इसका अंडर में क्या हो जाएगा सेल, क्योंकि हम जो है डिस्काउंट कर रहे हैं किस पे, जो भी सेलिंग कर रहे हैं ना, जो भी माल सेल कर रहे हैं उस पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन यूज करना है तो यस, उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करा देना। और यहां से चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके लिए हम टैली ओपन करते हैं और आपको बताते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है डिस्काउंट, क्योंकि आपको जो है अधिकांश अगर कहीं काम करने जाते हैं तो आपको ये सब चीजें करना होगा। तो देखिए यहाँ से हमको वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए और के साथ में W, अब यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी खुला हुआ है तो इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए और के साथ F3 यानी कि कंपनी इन्फो, और यहाँ से हम जाएंगे शॉर्ट कंपनी और इसको इंटर करके क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ से जाते हैं हम क्रिएट कंपनी में, क्योंकि हर बार जितना भी हम लोग काम करते हैं हर बार न्यू कंपनी बनाना होता है, तो यहाँ से हम लिखते हैं डिस्काउंट, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे डिस्काउंट ही लिख देते हैं, और आप अपना कंपनी का नाम दे सकते हैं, बाकी जो है वो डिटेल भरना चाहे तो भरिए, नहीं तो सेम पहले की तरह कंट्रोल ए कीजिए और इसको सेव मार दीजिए। अब ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमको प्रोसेस जो बताया गया है वो कैसे होगा। तो यहाँ से एस्केप की से जाएंगे गेटवे ऑफ टेली में और आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली में आ गए। अब आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, और देखिए आपको जो है यहाँ पे लेजर क्रिएट नहीं करना, लेजर तो बाद में आपको क्वेश्चन में क्रिएट करना ही है, लेकिन अभी जो है हमको डिस्काउंट सेट करने के लिए यानी कि ग्रुपिंग करना होगा, अलग अलग प्रोडक्ट को एक ग्रुप में रखना होगा। तो यहाँ से ग्रुप में जाते हैं, उसके बाद में क्रिएट में जाते हैं, अब यहाँ से ग्रुप देते हैं। तो ग्रुप में आपको बताया था क्या देना है, डिस्काउंट, क्योंकि हमको जो है यहाँ पे दिखाना है डिस्काउंट। अब यहाँ से इंटर करते हैं, और इसका अंडर में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेल अकाउंट, क्योंकि हम सेल पे डिस्काउंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें एक चीज को आपको ऑन करना है, क्या चीज, कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हमको ग्रुप बिहेवियर ये सब नहीं करना है, इंटर कीजिए। फिर यहाँ पे आ रहा है नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, इसको भी कुछ नहीं करना है, इंटर कीजिए। उसके बाद में पूरा यूज फॉर कैलकुलेशन, एग्जाम्पल में टैक्सेस डिस्काउंट, मतलब ये क्या कर रहा है कि यूज फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस डिस्काउंट, यानी कि अलग अलग आपको जैसे टैक्स का डिस्काउंट सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यस करना होगा।
क्योंकि डिस्काउंट पे हम और टैक्स देते हैं, और यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल करके इंटर करके एक्सेप्ट कराना है। तो ये हमारा एक जो है इसका डिस्काउंट का ग्रुप बनाने का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपको ये प्रोसेस याद रहना चाहिए क्योंकि सवाल बनाते वक्त यह आपको उसमें सेट करना होगा। अब जैसे हमको यहाँ पे हमने क्या किया, इसका उसमें मतलब डिस्काउंट को इनेबल कर लिया एक तरह से, यानी कि उसका बना लिए। अब जो है हाउ टू क्रिएट लेजर ऑफ सेल डिस्काउंट, इसमें जो है लेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे सेल डिस्काउंट के लिए, तो यहाँ पे इसका भी प्रोसेस दिया हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि आप जो है इस मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है क्या कर, पहले करना है गेटवे पहले में जाना है, अकाउंट इन्फो में जाना है और लेजर में जाना है। ये तो आप बनाते हैं शुरू से ही। यहाँ पे क्रिएट करना है, नेम में देना है आपको सेल डिस्काउंट, और यहाँ पे अंडर में डिस्काउंट अकाउंट, यानी कि जो हमने क्या हुआ था अभी बनाया हुआ था ग्रुप, उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितना परसेंट डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, तो जो भी डिस्काउंट आप देना चाहते हैं 10% 5% वो आप यहाँ से दे दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है कि किस पे करना है, तो ऑन टोटल सेल पे करना है, जितना हम सेल करें उस सब पे हमको करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एस्केप की से बैक आते हैं गेटवे ऑफ टैली में, और फिर से चलते हैं अकाउंट इन्फो में, उसके बाद में लेजर में, और यहाँ से क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे तो सेल डिस्काउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं सेल डिस्काउंट, ठीक है, इंटर करते हैं, और यहाँ पे हमको जो है अंडर में सेलेक्ट करना है क्या सी डिस्काउंट, जो यहाँ पे ग्रुप में हमने बनाया हुआ था। पहले यहाँ पे ग्रुप में आपको अगर डिस्काउंट खोजिएगा बनाने के पहले तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो है हमने बनाया हुआ है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। देखिए यहाँ पे हमारा डिस्काउंट आ गया, तो यहाँ से हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी है, क्या क्या देखनी है, ये तो हमारा हो गया। परसेंट ऑफ कैलकुलेशन पे आपको परसेंटेज सेट करना है, तो यहाँ से इंटर कीजिए और परसेंटेज यहाँ पे बताइए कि कितना परसेंट आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ -10% कर देता हूँ। अब यहाँ पे माइनस इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप जो है डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, उतना आपका जो है लॉस हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हमको लगाना होता है। अब पूछ रहा है कि ये मेथड ऑफ कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो हम क्या करते हैं इसमें ऑन टोटल लगाते हैं, यानी कि जितना हमने प्रोडक्ट है मेरे पास उस सब पे डिस्काउंट चाहिए। उसके बाद में नॉट एप्लीकेबल करके यस करते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा होता है सेट करना, बोले तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक सेकंड, ये हमने क्या किया अभी जो है इस सब पे सेट किया, यानी कि पहले अपना ग्रुप बनाया हमको डिस्काउंट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट पे। पहले अगर सेम डिस्काउंट हो तो एक यह ध्यान रखिएगा कि दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है सेम यानी कि सभी जितना भी प्रोडक्ट हमारा है सब पे सेम डिस्काउंट देना है, 10% 5% 20% जो भी देना है, और एक होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस अभी नहीं बताए हैं, अभी आपको सेम बता रहे हैं। सेम के लिए आपको एक ग्रुप बनाना होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या करना होगा उसका लेजर बनाना होगा उस ग्रुप का, उसके बाद आप इसको मतलब कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये सवाल भी दिया हुआ है, लेकिन ये सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, अभी फिलहाल ऐसे भी थोड़ा बड़ा हो गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।